तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम ड्रॉ करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश मैम को। और ये वाली रेफरेंस पिक्चर मैंने सेलेक्ट करी है, इसमें पोजिंग बहुत ही अच्छी है, डिटेल ऑन पॉइंट है, तो ओवरऑल ये जो पिक्चर है बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो हम ट्राई भी करेंगे कि हमारी जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बने। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आउटलाइन वाला पोर्शन कवर करूँगा यूजिंग ग्रिड मेथड, और पूरा समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब आप आउटलाइन बना रहे होते हो। तो सबसे पहले एज़ यूज़ुअल मैं ये वाली एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। आपको इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, यूज़र इंटरफेस इसका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको गैलरी से इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे बनाना है। यहाँ पे उससे पहले ओरिएंटेशन भी देख लेना कि कौन सा ओरिएंटेशन में आप बना रहे हो। यहाँ पे मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, तो मैं वर्टिकल लेके जा रहा हूँ, और साइज़ मैंने रखा हुआ है A4, तो A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रेफरेंस पिक्चर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको जिस तरीके से क्रॉप करना है, जितना आप बनाना चाहते हो वहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो। और इस वाले रेफरेंस पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आप ये वाली पिक्चर साथ साथ बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो ऑप्शन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रिड का, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे ये जो है शो ग्रिड का जो ऑप्शन है उसको जब आप ऑन करोगे तो आपका लाइंस दिखेगा, और शो लेवल ऑन करोगे तो आपको नंबर्स दिखेंगे। तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये आगे चीज़ें समझने में और कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है उसको समझने में। तो यहाँ पे आपको साइज़ भी बता देता हूँ, 20 mm × 20 mm का हमारा साइज़ है स्क्वायर का, जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 20 mm मतलब 2 cm। तो ग्रिड हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो गाइस, ग्रिड हमने बना लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही लाइटली मैंने ड्रॉ किया है, और यही चीज़ आपको करना है जब आप ड्रॉ कर रहे हो। इस तरीके से आप ड्रॉ करो ताकि जब आप सेट कर रहे हो तो आपको उसको इरेज करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, सेट के साथ ही वो मिक्सअप हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करो कि लाइट ग्रेड पेंसिल और बहुत ही लाइट प्रेशर से आप उसको ड्रॉ करो, क्योंकि ये लाइन्स को आगे हमारी ज़रूरत है नहीं, तो उस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम बॉर्डर, यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर में मैंने दिखाया कि बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे मैं टेप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये टेप किस तरीके से यूज़ करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आपको आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये 0.9 की मैकेनिकल पेंसिल, फाइन लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाली 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल, और आर्ट लाइन की HB पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा, कहाँ से आप स्टार्ट करने वाला हो। एक आपको स्क्वायर सेलेक्ट करना है ग्रिड के अंदर, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी, वो आपकी मर्ज़ी है, कहीं से भी स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैं ये वाली ग्रिड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग दे देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए पेपर पे कि कौन सा ग्रिड मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये वाली ग्रिड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रिड लाइन कि जो साइज़ है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, सेम साइज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये डिवाइडर, और इसकी मदद से हम दोनों के जो लाइंस का जो साइज़ है वो इक्वल कर देंगे, ताकि बहुत ही हेल्प मिल जाता है आउटलाइन को एक्यूरेटली ड्रॉ करने में, बहुत ही हेल्प मिल जाता है। तो इसको हम पहले इक्वल कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल हो गई हैं। उसके बाद एक और बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे, जो भी आप ग्रिड में आप बनाने वाले हो
उसका हर एक कॉर्नर जो भी लाइंस है वहाँ पे आपको इमेजिन करना है उसका हाफ, ठीक है। इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया, आपको बस ये इमेजिन करना है। उसके बाद जो भी यहाँ जैसे ये वाली लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है तो आपको गेस करना है कि वो हाफ से किधर होगा, इधर राइट में या लेफ्ट में, ऊपर या नीचे, ठीक है। आप अगर ये गेस कर पाओगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं हाफ कहीं पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको बस गेस करना है। हाफ करने से होता क्या कि जो आपकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाती और आप इजीली वो पॉइंट समझ जाते हो कि कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। गाइस यहाँ तक आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है आईज़ और फेस के जो फीचर्स होते हैं ना, आई हो गया, लिप्स हो गया, नोज़ हो गया। ये बहुत ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक करेंगे और जितना ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही एक्यूरेट हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है कि वो सही जगह पर ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, गलतियाँ करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब मैंने मेज़र कर दिया, सब अच्छे से ड्रॉ हो गया था। अब आगे उसी तरीके से आईज़ भी मैं जब आई मैं ड्रॉ करूँगा तो रेफरेंस पॉइंट मैं गेस कर, यहाँ पे तो वैसे गेस कर रहा हूँ। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो आप रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करो, चूज़ करो, वहाँ पे मार्क करो जहाँ पे आप कर सकते हो, उसके रेफरेंस से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हर बार जब भी आप ग्रिड पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है बहुत सारी, आपको वैसे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, धीरे धीरे रेफरेंस पॉइंट को कम करना है और कोशिश करना है कि जितना कम रेफरेंस पॉइंट आप ले सको। अगर वो भी कर लिया तो ग्रिड के साइज़ को आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, आप ग्रिड छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो होगा क्या कि जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाओगे ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होते जाएगी, तो आपके लिए फ्री हैंड बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स को भी बनाने में, तो जितना ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे मार्क करोगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। तो गाइस आगे का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से मैंने अभी तक बताया है, वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे का भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, आउटलाइन ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो आगे का वीडियो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ रही है एक्यूरेसी की, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं मेज़र कर रहा हूँ, क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ कि कहीं पे मैंने गलती तो नहीं कर दी, अगर गलती करी है तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते जाओ किस तरीके से मैंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया है।
तो बस गैस आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आगे आने वाले पार्ट्स को कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।